नमस्कार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही और आप देख रहे हैं जीटी रेल 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। शुरुआत इस खबर से। इस वीडियो पर जरा गौर कीजिए। राजस्थान के चुरू डिस्ट्रिक्ट गांव सांडवा बारासीर की ये वीडियो है। पिछले प्रोग्राम में हमें ट्रक की ओवरलोडिंग को देखकर लगा था कि इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें गलत साबित किया इस वीडियो ने। वैसे इसके बारे में हम कुछ ज्यादा कहना तो नहीं चाहेंगे, पर इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरह से चालकों द्वारा गाड़ियों को पलटने से बचाया जा रहा है, वाकई बैलेंस कर पाने के लिए काफी तजुर्बे की जरूरत है। और हर गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके बचने के कोई आसार नहीं है। और अगर गाड़ी को पीछे से जाते हुए देखा जाए तो क्या कहेंगे आप, कि माल को गाड़ी ढो रही है या गाड़ी को माल? गाड़ी चालकों को तो सलाम है ही, लेकिन इस बारे में अब ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं आगे ओवरलोडिंग का इससे तगड़ा उदाहरण देखने को ना मिल जाए। ये वायरल वीडियो सामने आया है हरियाणा से। हिसार रोडवेज की ये बस है। अक्सर रास्ते में जाते हुए देखा जाता है कि बसों पर इसी तरह सवारियां लटक कर जाती हैं जैसे कि इस बस पर जा रही हैं। और यूं लगता है कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से बिल्कुल भी नहीं डरते, और जिस चीज का डर था वही होता है। देखिए किस तरह से एक शख्स दरवाजे पर अपनी पकड़ बनाने में नाकामयाब हो जाता है और चलती बस से गिर जाता है। किस्मत अच्छी थी कि एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है। जहां पर रास्ते में गिरते हैं वहां पर भी पीछे से आती गाड़ी एकदम से ब्रेक लगा देती है, और कहने की जरूरत नहीं है, एक नहीं बल्कि दो दो बार मौत के मुंह से बच निकलते हैं। पर अपनी जिंदगी को इतना सस्ता भी मत समझिए, क्योंकि हर बार किस्मत यूं मेहरबान नहीं होती। गुजरात की ये खबर है। जामनगर गुजरात के हमारे एक व्यूअर भरत ने इसे हमारे साथ शेयर किया है। गुजरात के मोरबी में होटल पड़ता है सर्वोदय होटल। यहां पर 25 जनवरी सुबह 4 बजे के आसपास 10 गाड़ियों में डीजल चोरी हो गया। इनमें गुजरात की गाड़ियां हैं और राजस्थान की भी एक गाड़ी थी। इन गाड़ियों की टैंकी तोड़कर पूरा डीजल निकाला गया है। जब गाड़ी वालों ने मिलकर होटल मालिक से इस बारे में पूछताछ की तो होटल मालिक ने, जैसे कि हम सब जानते हैं, जिम्मेदारी तो कहां ही लेनी थी, उल्टा बदतमीजी करते हुए कहा कि गाड़ियां रोड पर खड़ी थी, ना ही वो कोई गारंटी लेकर बैठे हैं और ना ही गाड़ियों की सुरक्षा को कोई ठेका उन्होंने लिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वॉचमैन भी भाग गया है तो इस मसले के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और गाड़ी वाले चाहते हैं कि इस घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि ये होटल बंद हो जाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये गाड़ी चालक हैं जगतार सिंह, लालड़ू पंजाब के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का खिरचीबर बॉर्डर है, यहाँ पर हर महीने 1300 रुपए गाड़ी वालों से एंट्री ली जाती है। जो बाकी के बॉर्डर्स हैं, यहाँ के सेंधवा बॉर्डर और नयागांव बॉर्डर, जो कि एंट्री करने के मामलों में काफी नाम कमा चुके हैं, वहां पर गाड़ियों से हर चक्कर में एंट्री ली जाती है। इन्होंने बताया कि इनकी गाड़ी पूरे देश में चलती है और हर जगह एंट्री लेने का जो सिलसिला है वो बेधड़क होकर चल रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि राजस्थान में कोटा, जयपुर और जोधपुर में आरटीओ गाड़ी वालों को बेहद परेशान करते हैं। तकरीबन 500 रुपए एंट्री लेते हैं हर गाड़ी वाले से, और कई जगहों पर तो एक एक किलोमीटर की दूरी पर ही खड़े होते हैं। और अगर इनको कहा जाए कि पीछे ही अभी ये एंट्री देकर आए हैं, तब भी किसी की नहीं सुनते, पैसे वसूल कर ही दम लेते हैं। ये खबर यूपी से है। झारखंड के हमारे एक व्यूअर नीरज कुमार ने इस वीडियो को हमारे साथ शेयर किया है। यूपी के ये पुलिस वाले हैं। इनकी बाइक का नंबर है UP70DM3239। ये सरेआम गाड़ी वालों से 200-200 रुपए रिश्वत लिया करते हैं, आम जनता को तंग करते हैं। और इनकी इसी हरकत से परेशान एक गाड़ी वाला जब इनकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है ताकि लोगों तक इनके प्रायोजित कार्यक्रम की खबर पहुंच सके, तो देखिए किस तरह ये लोग बाइक पर सवार होकर वहां से भाग निकलते हैं। और जरा देखिए ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना भी कर रहे हैं। हेलमेट भी नहीं पहना है दोनों में से किसी ने, तो वर्दी वालों का चालान कितना होना चाहिए। और ऐसे पुलिस कर्मियों से हम यही कहना चाहेंगे कि अब बस भी कीजिए, खूब नाम रोशन कर दिया है आपने वर्दी का। ये खबर यूपी से है। अलवर राजस्थान के निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि ये 23 तारीख की रात को अपनी 5 एक्सल गाड़ी में लखनऊ से आगरा जा रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा का ये राहन कलां टोल प्लाजा है। जब ये यहाँ पर पहुंचे तो इनकी गाड़ी से टोल कर्मियों ने 165 रुपए का टोल काटने की बजाय 210 रुपए की पर्ची इनको थमा दी। पर्ची पर आप समय देख सकते हैं 11:08। और जब इन्होंने टोल कर्मी से ये कहा कि अभी एक दिन पहले ही यहां से ये गुजरे थे, तब इन्होंने 165 रुपए का भुगतान किया था, तो कर्मी ने इन्हें जवाब दिया कि रेट्स आज शाम को ही बढ़े हैं। यही नहीं, जब गाड़ी वाले ने बढ़े हुए टोल लिस्ट की मांग की तो इन मैडम ने साफ इनकार करते हुए कहा कि इनको ऊपर से
ऑर्डर्स नहीं है और साथ ही साथ गाड़ी वाले के विरोध करने पर 165 रुपए की पर्ची इनको काट कर दे दी। आप समय देख सकते हैं 11:16। मतलब साफ है, जिन गाड़ी चालकों को यहाँ पर टोल रेट्स का पता नहीं है उनको ये टोल कर्मी अच्छे से चूना लगा देते हैं। वियतनाम से ये खबर है। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल हो जाती हैं जिनको देखकर हम चाहकर भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाते हैं, और ऐसी एक वीडियो सामने आई है बिन डोंग वियतनाम से। आप देख सकते हैं इसमें दो बाइक सवार चलती बाइक पर कितने मजे से नहा रहे हैं। उन दोनों के बीच में उन्होंने पानी की भरी हुई बाल्टी रखी हुई है। पीछे बैठा शख्स चालक पर और खुद पर पानी डालता है। दोनों साबुन लगाते हैं और जब इस वीडियो को ये सोचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि लोग उसे पसंद करेंगे तो मामला उल्टा ही पड़ जाता है। लोग तारीफ की जगह विशेष टिप्पणियां तो करते ही हैं और साथ ही पुलिस भी उनके बाइक के नंबर से मालिक का पता लगाकर लापरवाही से बाइक चलाने और बिना हेलमेट के अलावा अन्य धाराओं के अंतर्गत 10,000 रुपए का चालान काट कर दे देती है। ये खबर हरियाणा से है। होशियारपुर के बलविंदर सिंह ढिल्लो ने हमें ये खबर दी। इन्होंने बताया कि बिंदर नाम के चालक है, मानसा पंजाब के रहने वाले हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ये रोहतक हरियाणा के आगे बहादुरगढ़ में अपने टेम्पो से जा रहे थे। रास्ते में बहादुरगढ़ के पुलिस वालों ने इनको रोक कर 300 रुपए एंट्री मांगी। चालक ने बताया कि ये पुलिस वाले सभी प्राइवेट गाड़ियों को छोड़ देते हैं और परमिट वाली कमर्शियल गाड़ियों से एंट्री मांगा करते हैं, और जब चालक ने थोड़ी रियायत बरतने को कहा तो पुलिस वालों ने बदतमीजी से इनकार कर दिया। चालक ने यह भी बताया कि पहले तो ये लोग यहाँ पर सिर्फ 2 ही घंटे खड़े हुआ करते थे, यानी कि गाड़ी वालों को परेशान करने का पार्ट टाइम किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने ये ठेका फुल टाइम ले लिया है। ये खबर लुधियाना पंजाब से है। लुधियाना में ट्रैफिक की समस्या के चलते लुधियाना पुलिस कमिश्नर ने ये नया नियम लागू किया है, और वो ये कि जो बार बार ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करेगा उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। ये मुहिम लुधियाना पुलिस ने शुरू कर दी है। इस प्लान के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों का डेटा कनाडा, बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में भेज दिया जाएगा। उसके बाद नियम तोड़ने वाले लोग जब इन देशों में वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो या तो इनको वीजा मिलने में काफी परेशानियां आएंगी या फिर उनका वीजा भी रद्द हो सकता है। तो सतर्क रहिए, पुलिस वालों की नजर अब आपके वीजा पर है। महाराष्ट्र से ये खबर है। मुंबई के निवासी मोहम्मद महफूज शेख ने बताया कि इनकी गाड़ी टाटा एस नंबर है MS03CP8538। इसका महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस द्वारा बार बार 200 रुपए का ऑनलाइन चलान भेजा जा रहा है। अगस्त 2019 से इनका चलान होना शुरू हुआ था और जिन जिन जगहों पर इनका चलान शो होता है वहां पर उस वक्त उनकी गाड़ी मौजूद भी नहीं होती और हर बार चलान होने की वजह भी अलग होती है। ये भी इन्होंने बताया कि जब भी ये ऑनलाइन चलान को ओपन करके देखते हैं तो हर बार गाड़ी की फोटो भी कोई और ही होती है। ये RTO में जाकर कंप्लेंट कर चुके हैं, पुलिस में भी शिकायत कर चुके हैं, साथ ही साथ कस्टमर केयर पर भी बात कर चुके हैं, लेकिन किसी द्वारा भी इनकी कोई मदद नहीं की जा रही। अब चालान होने के क्या कारण है, क्या इनकी गाड़ी का कोई फर्जी नंबर लगाकर घूम रहा है या कोई और बात है, वजह कुछ भी हो गाड़ी मालिक बेहद परेशान है। तो आप देख रहे थे GT Road 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।